मोबाइल नहीं गया आए मम्मी आए आए मम्मी आए नीचे ना देख नोएडा के गिझौर चौराहे के पास गुरुवार सुबह थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना पुलिस सुबह करीब 6 बजे गिझौर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि दो बदमाश स्कूटी पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों बदमाश गिझौर चौराहे से सेक्टर 54-57 चौराहे की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान दिल्ली के न्यू अशोक नगर निवासी ऋषभ दयाल और छोटू के रूप में हुई है। पैर में गोली लगने के कारण ऋषभ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों से लूट के 3 मोबाइल, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी ऋषभ के खिलाफ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में करीब 9 केस दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से मोबाइल खरीदने वालों की भी तलाश कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। मुठभेड़ 24 थाने सर, क्या मामला है? देखिए, पूरे नोएडा सिटी को हम लोग स्नैचर फ्री करना चाहते हैं और जहाँ भी स्नैचर की घटना होती है उसको लेकर के हम लोग बहुत ही सेंसिटिवली इस तरह के गैंग्स पे काम करते हैं। इसी क्रम में आज SCP 2nd और उनकी टीम SCP 24 उनकी टीम को सफलता मिली है। हम लोग इस स्नैचर्स की शूटिंग के लिए मॉर्निंग आउट शूटिंग लगाते हैं, एक दिन में भी और दोपहर में भी। और अभी जो टीम लगी हुई थी, उसी टीम के द्वारा एक पर्टिकुलर बाइक में लोग जा रहे थे, सीधे दिखाई दे रहे घोरना, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं और वो भागने लगा। उसके बाद से चारों तरफ अलर्ट करके घेराबंदी की गई, लेकिन ये लोग पुलिस के ऊपर ही अटैक किया। उसी क्रम में पुलिस ने जब अपनी जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और दूसरा ये जो आसपास में जंगल देख रहे हैं उन जंगलों में भाग गया। बॉम्बिंग के बाद उन्हें पकड़ा गया। ये जो पकड़ा गया आदमी, इसको हम लोग तत्काल मेडिकल भेजे। मेडिकल के जाने के क्रम में उसने ये बताया, इसका नाम ऋषभ दयाल है, मूल रूप से कनौज का रहने वाला है और ये लुटेरा है जो यहीं पे दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहता है और आसपास के पूरे NCR के एरियाज में ये क्राइम करता है। इसके ऊपर लगभग 8-10 मुकदमे हैं, बाकी और भी कई व्यक्ति को हम लोग पता कर रहे हैं। इसके साथ जो दूसरा पकड़ा गया था छोटी, वो भी इसी के साथ रहते थे और वो पार्टी घटना को अंजाम दे रहे थे। इसमें कुछ और लोग भी हैं जो इसके मोबाइल खरीदने वाले लोग हैं, कुछ लोग और भी डिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके प्लेस क्राइम के गैंग को, वो सभी लोग हमारे डाल के हैं, उनको भी बहुत जल्दी। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।